इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के पहले दिन का पहला सेशन जो है वो भारतीय गेंदबाजों के नाम रहा है। टीम इंडिया के गेंदबाजों ने पहले ही सेशन में स्मिथ समेत ऑस्ट्रेलिया के चार बल्लेबाजों को पवेलियन वापस भेज दिया। स्मिथ और बंस अपना खाता भी नहीं खोल पाए। अश्विन ने पहले सेशन में 2 विकेट हासिल करे हैं। खबरें लिखे जाने तक लंच सेशन तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर जो है वो 3 विकेट के नुकसान पर 68 पर था, लेकिन फिलहाल अपडेट सामने आ रहा है कि 1 विकेट और गिर गया है। आपको यह भी बता दें कि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला उनकी ओर से लिया गया था। एडिलेड टेस्ट की दूसरी पारी में नाबाद अर्धशतक लगाने वाले बंस यहां पर 10 गेंदों का सामना करने के बाद में खाता तक नहीं खोल पाए। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि दूसरे छोर पर ब्रेट खुलकर रन बना रहे थे, उनके इरादे खतरनाक यहां पर दिख रहे थे। तो हम आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया और भारत का मैच चल रहा है मेलबर्न ग्राउंड पर। वहां पर अगर अब तक की बात करें तो 4 विकेट जो है वो ऑस्ट्रेलिया के जा चुके हैं। 4 बल्लेबाजों को भारतीय गेंदबाजों ने पवेलियन भेज दिया है। इसके अलावा अगर इस पूरे मैच को लेकर गंभीरता से बात की जाए तो विराट कोहली की गैर मौजूदगी में ये पहला मैच है जब अजिंक्य रहाणे कप्तानी करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए क्रिकेट एक्सपर्ट और मेरे सहयोगी राजेश यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी राजेश, पहला सवाल तो यही, जिस तरीके से लगातार सुबह से ही मैच चल रहा है और 4 विकेट अब तक भारतीय गेंदबाजों की ओर से ले लिए गए हैं, और साथ ही इसमें एक बात ये भी हम शामिल कर सकते हैं कि विराट कोहली की गैर मौजूदगी में ये पहला मैच है जब अजिंक्य रहाणे कप्तानी कर रहे हैं, इस पूरे मैच को कैसे देखते हैं आप? जी प्रीति, बिल्कुल। देखिए, आज इंडिया टीम में 2 बड़े अपडेट हुए हैं, ऋधुमान साहा और खुद कप्तान विराट कोहली। ऋधुमान साहा को ऋषभ पंत को मौका मिला है और विराट कोहली की जगह कप्तानी अजिंक्य रहाणे को दी गई है। जहां तक मैच की बात करें तो सुबह से भारतीय टीम ने अश्विन और बुमराह, उन्होंने 2-2 विकेट लेके 4 विकेट ऑस्ट्रेलिया टीम के गिरा चुके हैं। स्मिथ जो पिछले मैच में अच्छे चले थे, पिछले उस सीरीज में अच्छे चले थे, ओपनर सेकंड टोर पर आए थे, वो नहीं, उनको आउट कर दिया। ओपनिंग जो उनकी राउंडिंग 14-15 ओवर तक थी, उनको आउट कर सका। इंडिया टीम इस टाइम पे अच्छी प्रदर्शन कर रही है। देखिये, मेन चीज है बुमराह शानदार बॉलिंग में है, शानदार परफॉर्मेंस में से है, 2 या 3 विकेट इसमें अब लास्ट तक चलता रहेगा तो मुझे जहां तक लगता है कि स्कोर ज्यादा नहीं हो पाएगा। अश्विन जो पिछले मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले प्लेयर थे, उन्होंने भी 2 विकेट चटका दिए हैं। और बात करते हैं अगर बैटिंग की, तो सुधार इसलिए होगा क्योंकि साहा को 5वें या 6वें नंबर पे उतारा जाता था, जो कीपरिंग भी करते थे, उनकी जगह ऋषभ पंत को लाया गया है। ऋषभ पंत ऐसे प्लेयर हैं जो कीपरिंग भी करते हैं और बहुत अच्छा खेलते भी हैं। वो टेस्ट को टेस्ट की तरह नहीं खेलते, वनडे की तरह खेलते हैं, अच्छे रन भी बना सकते हैं। तो जहां तक देखा है अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में आज इंडिया टीम सफल करेगी, और जहां तक सफल है आज का दिन उनको निकालना है। आज का दिन इसलिए निकालना है कि 4 विकेट हो गए, अगर 10 या 20 ओवर और बचते हैं तो उनको 2 विकेट चटकाने हैं। 2 विकेट चटकाने के आज इंडिया टीम का काम हो जाएगा, और फिर ध्यान देना पड़ेगा बैटिंग पे। तो अजिंक्य रहाणे को पहली बार मौका मिला है टेस्ट टीम के लिए कप्तानी करने के लिए, देखते हैं ओपनिंग वो क्या करते हैं। और मेन फोकस आज विहारी पे है। विहारी जो पिछले मैच में 2 या 3 रन बना के आउट हुए थे, उनको मौका दिया गया है दोबारा से, तो आज विहारी देखते हैं कि दूसरे तीसरे नंबर पे आके क्या सक्षम करते हैं। खुद अजिंक्य रहाणे अगर अच्छा चलेंगे तो भारत टीम सफल करेगी और शायद ये मैच बराबरी के तौर पर रहेगा। जी राजेश, जिस तरीके से आपने बताया कि वाकई ही जो भारतीय गेंदबाज है उनकी ओर से काफी अच्छा परफॉर्मेंस वहां पर दिखाया जा रहा है, तो आपको लगता है कि वाकई मेलबर्न में जिस तरीके से फिलहाल मैच वहां पर चल रहा है, टीम इंडिया पलटवार कर पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पलटवार अश्विन को मेन पॉइंट पे रखा गया, अजिंक्य रहाणे और विराट कोहली अच्छी तरह से जानते हैं कि अश्विन गुगली फैन नेम में माहिर हैं, वो कभी भी विकेट ले सकते हैं अपनी टीम के लिए। उसके साथ साथ फास्ट में उन्होंने बुमराह को रखा हुआ आगे, तो बुमराह जैसे ओपनिंग में फास्ट नई बॉल थी, स्विंग फेंका, 2 विकेट ले लिए, अब लास्ट में बुमराह को रोक के अगर वो फिर बॉलिंग करवाते हैं तो भारत के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा और जल्दी से विकेट मिल जाएंगे। जी राजेश, मेलबर्न ग्राउंड जो है वो 100 टेस्ट मैच का आज गवाह बना है, इसे कैसे देखते हैं?
बिल्कुल बिल्कुल प्रीति, मेलबर्न ग्राउंड शुरू से ही ऑस्ट्रेलिया टीम, अब से नहीं जब 92-93-94 के दशक में जब ऑस्ट्रेलिया टीम शुरू से ओपनिंग टेस्ट मैच खेलती है, जब से मेलबर्न ग्राउंड ऐसा था कि फास्ट पिच के लिए जाना जाता है, मैन ये ग्राउंड इसलिए जानता है कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा ग्राउंड है और फास्ट पिच के लिए जाना जाता है। आज सोवा टेस्ट है उस पर है, तो शायद मुझे लगता है कि आज भारत अपने नाम करेगी सोवा टेस्ट। जी बिल्कुल राजेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट और मेरे सहयोगी राजेश यादव हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से फिलहाल भारतीय गेंदबाजों की ओर से परफॉर्मेंस की जा रही है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि वाकई ही भारत की ओर से पलटवार किया जाएगा। चलिए फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।